तू चाहे दूर बहुत है तारे फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे भंवर बहते हैं अनगिनत है समय के धारे और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे छोटी सी बूंद धरती सागर से कहीं गहरी है आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है आकाश बहुत ऊंचा है संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् संजय ने धृतराष्ट्र से कहा हे राजन ऐसा कहकर महायोगेश्वर सब पाप का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य स्वरूप दिखाया अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम भगवान श्री कृष्ण का वह विराट स्वरूप कैसा था अनेक मुख और नयनों वाला अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त और अनेक दिव्य महान शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए ऐसा था दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाहा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः दादाजी इस श्लोक का क्या अर्थ है यहाँ आओ इस श्लोक का इस मूर्ति से बहुत गहरा नाता है कैसा नाता ये देखो पूर्णिमा ये है अर्जुन और ये श्री कृष्ण जो महाभारत के युद्ध में उसे गीता उपदेश दे रहे हैं आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश होता भगवान श्री कृष्ण का तेज उससे भी कहीं अधिक था तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार के रूप हुए श्री कृष्ण का विराट रूप कैसा रहा होगा अलग अलग हुए संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा तारे सब श्री कृष्ण के इस विराट रूप में दिखाई दिए पर दादाजी अर्जुन ये विराट रूप क्यों देखना चाहते थे क्योंकि अर्जुन भी तुम्हारी तरह जिज्ञासु था दादी 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 क्या है थोड़ा और प्रसाद दो ना चल शैतान कहीं का इसके पहले चार बार खा चुका है अच्छा ले अरे पेटू जी थोड़ा तो अपने पेट पर रहम कीजिए ये किसका कार्ड है श्वेता अंकल नार्लिकर ने हमें घर बुलाया है देख पूर्णिमा पूर्णिमा आई दादाजी लो ये तुम्हारे लिए है किसका कार्ड है पूर्णिमा नार्लिकर अंकल का है उन्होंने कल हमें घर पे बुलाया है शायद कोई प्रदर्शनी दिखाना चाहते हैं अच्छा तो महाभारत कथा के अर्जुन की तरह
तुम सबको भी बहुत जिज्ञासा रही है, क्यों? तो मैंने आज तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तब हमें वहाँ अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहाँ आकाश गंगाएं और अन्य प्रकाश स्रोत भी मौजूद हैं। पर इन सब का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये कितने बड़े हैं, इनकी सतह कैसी है, इन बातों का पूरा ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। अंकल, पर टेलीस्कोप से भी तो देखा जा सकता है। क्यों नहीं, देखते भी हैं, मगर सदियों से खगोल शास्त्री एक ऐसे बच्चे की तरह रहा है जो कांच की दीवार पर नाक दबाकर अंदर रखी मिठाई को सूंघना चाहता है और चखना चाहता है। जो एक कांच के कटोरे में रखी मिठाई को देख तो सकता है, मगर उसके और मिठाई के बीच में एक दीवार बनी रहती है वायुमंडल की। और वायुमंडल की इस दीवार के कारण तारों से आता हुआ पूरा प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। तो फिर उपाय क्या है? उपाय तो ये है, थैंक यू अंकल। इसके लिए हमें वायुमंडल की दीवार को फांद कर अपनी आंखों को अंतरिक्ष में ले जाना होगा। अंकल, पर केवल आंखें अंतरिक्ष में कैसे जा सकती हैं? इसका उत्तर देने के लिए ही तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इनसे मिलो, ये है डॉक्टर गायत्री। गायत्री अंतरिक्ष पर एक नई प्रदर्शनी तैयार कर रही है, उसका नाम है अंतरिक्ष में आंखें। ये तुम्हें दिखाएंगी मनुष्य ने अपनी आंखें अंतरिक्ष में कैसे भेजी। और गायत्री, इनसे मिलो, ये है पूर्णिमा, ये है श्वेता और ये है शैतान खगोल शास्त्री अनिल। अंतरिक्षयानों के बारे में है जो समय समय पर अंतरिक्ष में वहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे गए थे। चल, अरे चल, चल। बाजू, अरे बाजू बाजू। डॉक्टर नार्लिकर तुम्हें बता रहे थे ना कि कैसे वायुमंडल की अदृश्य दीवार बीच में होने की वजह से अंतरिक्ष के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो सन 1957 में मनुष्य पहली बार इस दीवार को फांदकर बाहर निकला। ये है वो उपग्रह स्पूतनिक, जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह होने का गौरव प्राप्त है। इसे एक 96 फुट ऊंचे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। इस उपग्रह द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों की धीमी बीप बीप की आवाज ने सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। तुम्हें मालूम है रूसी भाषा में स्पूतनिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? स्पूतनिक का मतलब होता है सहयात्री या हमसफर। लेकिन उस समय ये स्पूतनिक अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेला था और इसके बाद अंतरिक्ष में जो दौड़ शुरू हुई वो आज तक नहीं रुकी है। 12 अप्रैल सन 1961, कैप्टन यूरी गागरिन के रूप में मनुष्य ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया।
और फिर वो दिन भी आया जब चंद्रमा पर मनुष्य के नन्हे कदम पड़े। 20 जुलाई 1969। दुनिया भर के लोग करोड़ों टेलीविजन सेटों पर आंखें गड़ाए बैठे थे और उन्हें सबसे पहले दिखाई दिया नील आर्मस्ट्रांग का पैर। इस अवसर पर नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, ये एक मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है, पर मानवता के लिए एक लंबी उड़ान। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा से पृथ्वी उदय का ये अद्भुत दृश्य भी देखा। सुंदर, अति सुंदर। ये प्रसिद्ध फोटोग्राफ नील आर्मस्ट्रांग ने लिया था, जिसमें उसका साथी एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर खड़ा है। देखो, एडविन के मुखौटे पर नील आर्मस्ट्रांग की परछाई भी दिखाई दे रही है। आंटी, पर ये लोग चंद्रमा से वापस कैसे आए? इस यान में बैठकर। ये यान कोलंबिया समुद्र में आकर गिरा और इन गुब्बारों की मदद से तैरता रहा। फिर इस यान और यान में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। चंद्रमा के अलावा सौर मंडल के दूसरे ग्रह भी सदियों से मनुष्य को आकर्षित करते रहे हैं, पर वे इतने दूर हैं और वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां रहा भी नहीं जा सकता। फिर भी उनके बारे में जानकारी तो करनी ही थी। तो क्या मनुष्य दूसरे ग्रहों पर भी गया? नहीं, अंतरिक्ष में केवल यंत्र भेजे गए जो मानवता के साहसिक अभियान कहलाए। इसलिए एक के बाद एक अंतरिक्षयान मनुष्य की यांत्रिक आंखें लिए उड़ चले। इनमें सबसे प्रमुख था ये पायोनियर 10। इस यान ने सन 1972 की 3 मार्च को अंतरिक्ष में प्रवेश किया और आज ये हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है। और ये है मैरिनर 10। इस अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 ने सौर मंडल के भीतर के ग्रह बुध और शुक्र का बहुत नजदीक से परीक्षण किया। अंतरिक्ष यान में जब मनुष्य ही नहीं गया तो परीक्षण कैसा? परीक्षण कुछ इस तरह से किया जाता है। ये मैरिनर 10 यान है जो शुक्र पर से वहाँ के मौसम की जानकारी भेज रहा है। मान लो हमें ये पता करना है कि शुक्र ग्रह पर कितना तापमान है, तो मैरिनर 10 इस सूचना को गिनतियों के संकेतों के रूप में रेडियो तरंगों द्वारा पृथ्वी को भेजेगा और पृथ्वी पर स्थित रेडियो टेलीस्कोप इन संकेतों को पढ़कर उन्हें एक कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। फिर ये कंप्यूटर हमें शुक्र के तापमान के बारे में बताएगा। क्यों अनिल, समझ में आया ना? ये तो समझ में आया, पर इस शुक्र का तापमान है कितना? मैरिनर 10 की इन परीक्षणों से पता चला कि शुक्र की सतह बहुत ही गर्म है, करीब 430 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके चारों ओर छाए बादल बहुत ही ठंडे हैं, शून्य से भी 40 डिग्री सेल्सियस कम। बाप रे। जुलाई सन 1976 में वाइकिंग यान मंगल ग्रह पर उतारा गया। ये पहला अवसर था कि जब कोई यान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर उतारा गया था। इससे पहले कि यान तो केवल दूसरे ग्रहों के पास से गुजरे थे,
आंटी ये वाइकिंग मिट्टी क्यों खोद रहा है? हाँ, वाइकिंग ने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने भी लिए। मंगल ग्रह की मिट्टी के इन नमूनों से वैज्ञानिकों ने वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन किया। इसके बाद वॉयेजर एक और वॉयेजर दो सौर मंडल के भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस वॉयेजर अभियान का उद्देश्य था हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना। ये यान इन ग्रहों के हजारों फोटो हमें भेज चुके हैं। अंती, वॉयेजर ने बृहस्पति के भी तो कई चित्र भेजे। हाँ श्वेता, सन 1979 में जब वॉयेजर एक बृहस्पति के करीब से गुजरा तो उसके द्वारा भेजे गए बृहस्पति के चित्रों ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। ये बृहस्पति का चित्र वॉयेजर एक ने करीब 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लिया है। अंती, वॉयेजर के साथ एक रिकॉर्ड भी तो भेजा गया था। हाँ, वॉयेजर के बारे में एक मजेदार बात और है। इसके साथ एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी भेजा गया है जिसमें पृथ्वी की आवाजें भरी हुई हैं, ताकि अगर अंतरिक्ष के किसी प्राणी को ये मिले तो उसे पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल सके। वॉयेजर एक और दो की आंखों से वैज्ञानिकों ने जो नजारा देखा वो बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि इन यानों की मदद से वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों को बहुत पास से देख सके, और दूसरे इसलिए कि उस समय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल की दीवार नहीं होती। वायुमंडल की ये दीवार वास्तव में तो दीवार नहीं है, फिर ये बाधा कैसी? वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाले बहुत से विकर्णों को शोषित कर लेता है। इसके कारण अधिकतर ग्रहों और तारों से निकलने वाली अदृश्य किरणें जैसे एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती। पर एक्सरेज और इंफ्रारेड जैसी अदृश्य किरणों को कैसे देखा जा सकता है? चलो देखते हैं कैसे देखा जा सकता है। ये रहा तुम्हारा उत्तर। ये क्या है? ये एक ऐसा उपग्रह है जो इंफ्रारेड किरणों की मदद से देखता है। ये है IRAS। इसे 26 जनवरी सन 1983 को पृथ्वी की कक्षा में 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ब्रह्मांड में दो प्रकार के तारे होते हैं, ठंडे और गर्म। गर्म तारों से प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलते हैं, इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तारे भी हैं जो अभी बच्चे हैं, यानी कि उम्र में गर्म तारों से बहुत कम। इनसे अधिकतर इंफ्रारेड की किरणें निकलती हैं, और कुछ ऐसे तारों का भी जन्म हो रहा है जिनसे ऐसी रोशनी निकलती ही नहीं जिसे हमारी आंखें देख सके। आंटी, तो फिर ये IRAS उपग्रह कैसे फोटो भेजता है? इसे देखो, IRAS द्वारा भेजा गया ये चित्र मैगलॉन के बादलों का है जो हमारी पृथ्वी से 160,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम पड़ोसी हैं। इसमें देखो जो सफेद भाग दिखाई देता है ना, वो गर्म है और नीला भाग ठंडे हिस्सों को दिखाता है। पर आंटी, तारों से निकलकर जो रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, क्या उससे ठीक जानकारी नहीं मिलती? जानकारी तो मिलती है, पर एक समस्या है। ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं मालूम है ना? तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल की परतों से गुजरना पड़ता है, और जो हिलती रहती है, और इस कारण तारों के बिंब हिलते हुए दिखते हैं। और इसी वजह से खगोल शास्त्रियों को तारों की सही स्थिति का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस कठिनाई को भी दूर करने का उपाय खोज निकाला अंतरिक्ष में टेलीस्कोप भेजकर। अंतरिक्ष में टेलीस्कोप? हाँ हाँ, इधर देख।
श्वेता देख, इसमें ते आंतरिक टेलीस्कोप दिखता है। अंटी, इस अंतरिक्ष टेलीस्कोप से ऐसा क्या दिखाई देगा जो पृथ्वी पर टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है? ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष से ब्रह्मांड के दर्शन करता है। इसकी लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई करीबन 4.25 मीटर है और इसका वजन कितना है मालूम है? 11,000 किलोग्राम। इस अंतरिक्ष टेलीस्कोप से हम अपने निकटवर्ती तारों के बारे में और अधिक जान जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अंतरिक्ष का टेलीस्कोप तारों के बिंब को चमकदार बनाकर ब्रह्मांड का कई गुना भाग अधिक देख सकेगी, जो अभी तक संभव नहीं था। वो क्यों? क्योंकि ये स्पेस टेलीस्कोप 14 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि इतना दूर जिससे तय करने में प्रकाश को 14 अरब साल लगते हैं। बाप रे, बेकायदा है। 100,000, 10,000, 10,00,000, 10,00,000,000, 10,00,0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 00,
हाँ तो देखा आज अंतरिक्ष का अध्ययन करने की तकनीक कितनी बढ़ गई है। कहाँ वो 64 किलो का छोटा सा स्पुतनिक और कहाँ ये 11,000 किलोग्राम की स्पेस टेलीस्कोप। गायत्री आंटी क्या इस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं? नहीं नहीं अन्य यानों की तरह ये स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के चित्र रेडियो तरंगों द्वारा पृथ्वी पर भेजती है। सारे प्रयोग पृथ्वी से ही किए जाते हैं।